नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकारी यूट्यूब चैनल में। तो आज आपके लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 2 होने वाला है और बहुत ही बढ़िया लेवल के क्वेश्चन इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। टॉप 30 क्वेश्चन इसमें हैं, देखते हैं कौन कितने क्वेश्चन बना पाता है, ठीक है। और लास्ट में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बता देना कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। चलते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य या राणागुप्त? आपके सामने चार ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे ना उनको विक्रमादित्य की भी उपाधि प्राप्त थी, अर्थात विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो इसका तो सभी को पता होगा, गीत गोविंद के लेखक आपके जयदेव हो जाते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लड़ाई में मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया था? तो आप सभी को पता है मोहम्मद गोरी ने जब आखिरी लड़ाई लड़ी थी अपनी, अर्थात तराइन का दूसरा युद्ध जब लड़ा था, तो तराइन के दूसरे युद्ध में उसने जो है पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। जब पृथ्वीराज चौहान की वहां पर मृत्यु हो जाती है तो उसी समय मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया था। आप कह सकते हो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालानुक्रम के अनुसार बिल्कुल सही है? तो इसका तो आपको सामने ऑप्शन दिखी गया, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। पहले हुआ था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, अर्थात आप कह सकते हो 1930 के आसपास, फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 1940-42 के आसपास, और फिर कैबिनेट मिशन प्लान आया 1946 में। तो ये घटनाएं बिल्कुल कालानुक्रम के अनुसार बिल्कुल सही हैं। अगर आप इन्हें देखोगे तो ये आगे पीछे हैं, तो ये इनमें से कोई सा भी सही आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तमिलनाडु का है, केरल का है, मणिपुर का है या आंध्र प्रदेश का है? तो ऑप्शन नंबर बी अर्थात केरल का प्रमुख नृत्य है कथकली, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है, अर्थात गुप्त स्थापत्य कला का सबसे बेस्ट नमूना इनमें से कौन सा है ये पूछना चाह रहा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, या भीतरगांव का मंदिर, या फिर भूमरा का मंदिर? और आपको ये भी कमेंट करना है कि ये सारे मंदिर हैं कहाँ कहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, अर्थात देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या है? ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले सेट में भी बताया था, अगर पिछले सेट में किसी ने क्वेश्चन ध्यान से किए होंगे तो वो इस क्वेश्चन को आराम से कर देगा। बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, नहीं ये तो गलत है, बुध, पृथ्वी, ये भी गलत है, बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, ये भी गलत है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे तो आपका सूर्य होगा और सूर्य से सबसे निकट का ग्रह होगा आपका बुध, फिर उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। इस तरह से वरुण जो है सबसे अंतिम ग्रह हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अर्थात एक तरफ आपको हवाएं दी गई हैं और एक तरफ स्थान बताया गया है कि कौन सी हवा किस स्थान पर चलती है। मिस्ट्रिल हवाएं फ्रांस में चलती हैं, यामो हवाएं जापान में चलती हैं, सिराको हवाएं ऑस्ट्रेलिया में चलती है, खमसिन हवाएं मिस्र में चलती है। इनमें से एक युग्म जो है वो सही नहीं है, वो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सिराको हवाएं जो है ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलती, बाकी तीनों हवाएं और स्थान बिल्कुल सही हैं। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि सिराको हवाएं किस जगह पे चलती हैं, किस देश में चलती हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रति चक्रवात की विशेषता क्या होती है? तापमान में वृद्धि होती है, तेज पवन चलती है, तीव्र दृष्टि होती है, या स्वच्छ आकाश रहता है? प्रति चक्रवात की बात कर रहा है, ध्यान रखना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका, जब प्रति चक्रवात आता है तो आपका आकाश बिल्कुल स्वच्छ रहता है, इसकी यही विशेषता होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोयस का पठार है, अर्थात लोयस का पठार आपका किस तरह का पठार है ये पूछना चाह रहा है, हिमनिकृत, जलकृत, नवीकृत या फिर पवनकृत? हिमनिकृत का मतलब है कि जो बर्फ से बना हो, जलकृत का मतलब है जो जल से बना हो, नदीकृत का मतलब है जो नदियों द्वारा बना हो या हवाओं द्वारा बना हो, ठीक है, पवनकृत का मतलब। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात लोयस का पठार जो है वो पवनकृत पठार है एक तरह से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है, आंसर देने का प्रयास करें। भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रापण मूल्य आदि से संबंधित आयोग है, अर्थात ऐसा आयोग कौन सा है जो कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात MSP, प्रापण मूल्य आदि से संबंधित आयोग है? योजना आयोग बिल्कुल नहीं है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ये बिल्कुल सही है, इसका 11 का ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की जो सिफारिश करता है सरकार से वो यही आयोग है, कृषि लागत और मूल्य आयोग। हालांकि MSP को निर्धारित या MSP को लागू कौन करती है, वो केंद्र सरकार ही करेगी, लेकिन ये आयोग जो है सिफारिश करता है MSP के लिए कि इन वस्तुओं पर या इन कृषि संबंधी वस्तुओं पर इतना MSP सरकार को देना चाहिए। अब सरकार दे या ना दे वो सरकार के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? एक ऐसा है जो सही नहीं है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 बिल्कुल सही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 बिल्कुल सही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 ये भी बिल्कुल सही है। और चौथी पंचवर्षीय योजना जो है 66 से 71 ये सही नहीं है भाई, ये गलत है। अर्थात हमें बताना है कौन सा सही नहीं है, अर्थात हमारा ऑप्शन यही सही है, यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना का समय ये गलत दिया हुआ है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई? जो अन्नपूर्णा योजना थी वो किस वर्ष लागू की गई, किस वर्ष से उसका कार्य चलना प्रारंभ हुआ? तो सन 2000 से अन्नपूर्णा योजना को कार्यान्वयन किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने दिया हुआ है। अब यहाँ से संविधान के कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे, देखते हैं कौन कितने कर पाता है। राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? उपराष्ट्रपति, उप न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या फिर प्रधानमंत्री, या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो आप सभी को पता है राष्ट्रपति की बात हो रही है और पद और गोपनीयता की शपथ दिलवानी है, तो लोकसभा अध्यक्ष का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता वहां पे, समझ रहे हो ना। रही बात प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति की शपथ से कोई मतलब नहीं है, ठीक। रही बात उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति का भी कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवानी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, अर्थात उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आप कह सकते हो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वही राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का, अर्थात संपत्ति का अधिकार फिलहाल किस प्रकार का अधिकार है? मूल अधिकार है, बिल्कुल नहीं। नैसर्गिक अधिकार है, ये भी नहीं है। विधिक अधिकार है, जी हाँ बिल्कुल, विधिक अधिकार को आप कानूनी अधिकार कह सकते हो। अर्थात जो आपका संपत्ति का अधिकार है ये फिलहाल जो है अनुच्छेद 301 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21A। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा देना मूल अधिकार है, अर्थात उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए, ये आपकी बात है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग को B.R. अंबेडकर ने, अर्थात भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 में हृदय तथा उसकी आत्मा की संज्ञा दी है, अर्थात मौलिक अधिकार को, प्रस्तावना को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, या संशोधन प्रक्रिया को? तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर क्या हो जाता है, अर्थात संवैधानिक उपचारों का अधिकार को जो है अनुच्छेद 32 के तहत संविधान की आत्मा तथा संज्ञा दी गई है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है, एन एरिया ऑफ डार्कनेस ये किसकी रचना है? V.S. नायपॉल की, किरण देसाई की, अरुंधति राय की, या अरहान पामुक की? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका V.S. नायपॉल की रचना है, एन एरिया ऑफ डार्कनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है, मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? किसके कारण जो है मूत्र का रंग पीला होता है? पित्त के कारण, कोलेस्ट्रॉल के कारण, लसिका के कारण, या फिर यूरोक्रोम के कारण? तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात यूरोक्रोम के कारण ही आपके मूत्र का रंग जो है वो पीला होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है? अर्थात जो लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जस्ते की परत चढ़ाना, जी नहीं। मिश्र धातु बनाना, बिल्कुल नहीं। वल्कनीकरण, बिल्कुल नहीं। गैल्वेनाइजेशन, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने है, रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैक की गई होती हैं? रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। रेलगाड़ी के पहियों और पटरियों के बीच किसी भी प्रकार का घर्षण बल उत्पन्न हो सकता है, या फिर आप कह सकते हो रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है, या फिर रेलगाड़ी अंदर की ओर नहीं गिर सकती। तो इनमें से आपका सही आंसर कौन सा है, आप लोग बताने का प्रयास करें। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, अर्थात रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है, इसीलिए जो है रेल की पटरियां अपने वक्रों पर बैक की गई होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? इस तरह का क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है, ध्यान रखना, क्योंकि आपका जो है ड्राइवर का पेपर है और उस ड्राइवर के पेपर में आपका एक चैप्टर भी था प्रदूषण, अर्थात सारे पोल्यूटेंट आपको पढ़ने थे, कितने प्रदूषक होते हैं, कितने प्रदूषण होते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि कौन सा ध्वनि प्रदूषण का कारण है, किसके कारण ध्वनि प्रदूषण होता है? भारी ट्रक यातायात के कारण, निर्वाचन सभाओं के कारण, या पॉप संगीत के कारण, या जेट उड़ान यानी कि जो जेट उड़ता है ना हवाई जहाज, जेट उड़ान के कारण? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात जेट उड़ान के कारण भी
अधिकतम ध्वनि प्रदूषण होता है, ये भी एक ध्वनि प्रदूषण का कारण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थापित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देना जवाब। तो चंबल नदी पर आपका घड़ियाल प्रोजेक्ट जो है स्थापित है पहले से ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला का सही अनुक्रम क्या है? पादप शाकाहारी मांसाहारी अपघटक, या मांसाहारी अपघटक पादप शाकाहारी, या फिर अपघटक पादप शाकाहारी मांसाहारी, या फिर शाकाहारी मांसाहारी अपघटक पादप। तो इन चारों में से आपको आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, अर्थात पहले पादप होगा, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी और फिर अपघटक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भूटान देश की राजधानी बतानी है और उसकी मुद्रा भी बतानी है। तो सभी को पता होगा इसका आंसर। तो भूटान की अगर आपने राजधानी बता दी तो मुद्रा का आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही ऐसे दिए हुए हैं। भूटान देश की राजधानी है आपके थिम्पू और उसकी मुद्रा हो जाएगी आपकी गुलतुरम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? और आपको ये भी बताना है कि क्यों मनाया जाता है। तो 10 जनवरी, 15 जनवरी, 9 जनवरी या 8 जनवरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 9 जनवरी 1915 को, इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, टेलीफोन की खोज किसने की? ग्राहम बेल ने की, वोल्टा ने की, हेनरी बेल ने की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ग्राहम बेल, अर्थात ग्राहम बेल ने ही टेलीफोन की खोज की थी। नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और इसी के साथ आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाता है, किस देश ने वर्ष 2020 में होप नाम से मंगल ग्रह पर मिशन भेजने की घोषणा की है? अर्थात 2020 में, अर्थात अब तो ये मिशन भेज दिया गया है, 2020 में होप नाम से मंगल ग्रह पर मिशन किसने भेजा है? सऊदी अरब, ओमान, कतर या फिर संयुक्त अरब अमीरात। आप सभी ने पढ़ी होगी ये न्यूज़ कि होप नाम से 2020 में मंगल मिशन भेजा गया था। ये मिशन था संयुक्त अरब अमीरात का, अर्थात आप कह सकते हो यूएई का ये मिशन था होप नाम से। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाएगा एक बार में करंट अफेयर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब आपके लिए धीरे धीरे छोटे छोटे टॉपिक्स भी उठाकर लाऊंगा, जैसे आपके सारे इंपॉर्टेंट मंदिर होंगे, इंपॉर्टेंट स्थापत्य कला होंगी आपकी, इंपॉर्टेंट आप मुगल काल से जो भी इंपॉर्टेंट सामग्री बनती है वो सभी आपको धीरे धीरे देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, चिंता मत करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद भाई।